नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयवीर और आप देख रहे हैं हिंसेप का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन चला के दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो आइसक्रीम मशीन सही से चलाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल इंस्ट्रक्शन देंगे कि सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन को चलाने का सही तरीका क्या है। अगर आपके पास ऑलरेडी मशीन है या मशीन आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको सही तरीका पता है लेकिन वो गलत तरीके से मशीन चलाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे कि आपको आइसक्रीम का बेस कैसे बनाना है, उसको मशीन में कैसे पोर करना है और मशीन कैसे किस तरह से चलानी है। लेकिन हम इस वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि इस मशीन की सफाई कैसे की जाती है, इन पार्ट्स को कैसे फिट किया जाता है। उसका भी एक पर्टिकुलर तरीका है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर सब कुछ इस वीडियो में हम बता देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोग बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाने के सही तरीके से। तो सबसे पहले आपको मशीन को धो के अपनी मशीन में सारी पार्ट्स की फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको लेना है दूध और लेना है प्रीमिक्स। तो दूध और प्रीमिक्स को मिलाने का एक खास तरीका होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे ही घोल के सीधा मशीन में डाल देते हैं, उससे आइसक्रीम सही नहीं बनती है। तो आइए अब उस तरीके की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना प्रीमिक्स लेना है, यानी आइसक्रीम का पाउडर लेना है, और इस पाउडर को एक स्टेनलेस स्टील के बाउल में डालना है। अगर आपके पास स्टेनलेस स्टील का बाउल नहीं है तो आप प्लास्टिक का भी बाउल यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसके अलावा हम कुछ और मटेरियल का, जैसे कि कॉपर का या किसी और मटेरियल का ब्रश यूज़ करने की सलाह नहीं देते हैं। तो ये जो मैंने जो प्रीमिक्स डाला है, आधा किलो प्रीमिक्स डाला है, और इसमें एक किलो प्रीमिक्स में 4 लीटर दूध डलता है, तो हम आधे किलो प्रीमिक्स में 2 लीटर दूध डालेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अगर आप कम मात्रा में आइसक्रीम बनाना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 2 लीटर आइसक्रीम इस मशीन में पोर करनी ही चाहिए, क्योंकि इस आइसक्रीम के सिलेंडर में ही 1 लीटर आइसक्रीम आ जाती है, और ऊपर से थोड़ा दबाव बनाने के लिए भी थोड़ा सा बेस ऊपर इन होपर्स में होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 2 लीटर बेस बनाना ही है आइसक्रीम मशीन को चालू करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पाउडर डालना है। पाउडर डालने के बाद आपको मिल्क उसमें पोर करना है। और आइए अब हम इसमें मिल्क पोर करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूध को कभी मुँह से नहीं खोलना है। अगर आप खुद आइसक्रीम बनाते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसको कैंची से ही काटना है। अगर आपके पास स्टाफ है आइसक्रीम बनाने के लिए, मशीन चालू करने के लिए, तो आपको इस तरह की सीजर यानी कैंची उसको प्रोवाइड करनी है, ताकि वो मुंह से खोलने की कोशिश ना करें। तो ये गया 1/2 लीटर दूध, क्योंकि ये 1/2 किलो प्रीमिक्स है, तो इसमें टोटल हमें 2 लीटर मिल्क पोर करना है। कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि दूध कौन सा डालना है, तो हमारी सलाह होती है कि अगर आपको मदर डेयरी का दूध मिले तो वो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा होमनाइज्ड होता है। अगर आपको वो ना मिले तो आप अमूल का भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी ऐसा मिल्क यूज़ कर सकते हो जिसमें कम से कम 6% फैट हो। अगर आप उससे कम फैट का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी आइसक्रीम तो बनेगी, लेकिन वो खाने में इतनी मज़ेदार नहीं होगी। तो डेढ़ हम डाल चुके हैं और लास्ट हम ये इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद ये अपना प्रीमिक्स का टोटल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे इसको सीधे मशीन में नहीं डालना है, उसके बाद क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दूध आपको बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है। आप सेम डे कोशिश करें कि सेम डे दूध लाएं जिस दिन आप आइसक्रीम बना रहे हैं। अगर आपका मिल्क पुराना होगा तो उसमें एक तो मिल्क के इंग्रेडिएंट अलग अलग हो जाते हैं, उसकी मलाई अलग हो जाती है और मिल्क का पानी थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। तो आपको बहुत ही फ्रेश मिल्क यूज़ करना है, जिससे कि ना कि वो खट्टा हो और कंसिस्टेंट भी हो। उसके सारा आइटम डालने के बाद इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आप इस तरह का ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो आप विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हम सलाह देते हैं कि आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी हो। और आपको मिक्सिंग ऐसे नहीं कि 10-20 सेकंड करनी है कि आपको लग गया कि मिल गया। आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट मिक्सिंग करनी है। उसका कारण भी हम बताएंगे कि आपको ज़्यादा देर मिक्सिंग क्यों करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने का तरीका यही रहेगा कि आपको इसको बिल्कुल बॉटम में नहीं रखना है,
इसको थोड़ा 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 सा उठा के घुमाना है। तो दोस्तों इस तरह से मिक्सिंग करने से क्या होता है, एक तो अपने इंग्रेडिएंट अच्छे से घुल जाते हैं और बहुत तेज़ी से मूवमेंट होने की वजह से जो हमने आइसक्रीम के प्री मिक्स में जो इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि स्टेबलाइज़र या इमल्सीफायर या इसके फ्लेवर और कलर वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप मिक्सिंग थोड़ी सी कर देंगे और सीधा आइसक्रीम मशीन में डाल देंगे तो हो सकता है कि अपना जो बेस है वो पूरी तरह से एक्टिवेट ना हो, यानी वो आइसक्रीम बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 1.5 मिनट इसकी ब्लेंडिंग करनी है। चाहे आप किसी भी कंपनी का मिक्स यूज़ करें, हमारी कंपनी का मिक्स यूज़ करें, या चाहे आप किसी भी कंपनी का आइसक्रीम मशीन यूज़ करें, आपको ये वाली प्रोसेस ज़रूर करनी है। तो दोस्तों इस वाले प्रीमिक्स की हमने मिक्सिंग पूरी कर ली है। ये वाला जो मिक्स हमने बनाया है वो बटर स्कॉच है, उसके बाद हम वनीला मिक्स बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस ब्लेंडर को भी थोड़ा सा धो लेना है, नहीं तो आपके वनीला में कलर आ जाएगा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं सॉफ्टी का वनीला पाउडर, और ये भी आधा आधा किलो पाउडर है। जैसे हमने बताया कि कम से कम आधा किलो पाउडर और 2 लीटर मिल्क तो होना ही चाहिए, क्योंकि कम से कम 2-2.5 लीटर बेस इस मशीन में जाना चाहिए। तो फिर से प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो हमने अपने वनीला में भी अपना मिल्क डाल दिया है, इसको भी हमने लगभग 1.5-2 मिनट ब्लेंड करना है। उसके बाद इस मशीन ये अपना बेस रेडी हो जाएगा। उसके बाद भी मशीन में डालने का खास तरीका है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। अभी मत सोचिएगा बस हमें यही बताने वाले थे, और भी बहुत डिटेल्स हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों हम इसको भी ब्लेंड कर रहे हैं, आपको देखना है कि इसमें कोई डलिया ना बची हो, तो इसको भी अच्छे से 1.5 मिनट ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने का कारण हमने बताया कि अपने बेस को एक्टिवेट करना है। ये कोल्ड एक्टिंग बेस है, मतलब ये ठंडे मिक्स में रेडी किया जा सकता है। आपको देखना है कि अगर आपका जो आइसक्रीम का पाउडर है वो हो सकता है वो वार्म एक्टिव हो, तो उसको 60 या 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना भी ज़रूरी होता है। तो आप अपनी जो प्रीमिक्स की है इंस्ट्रक्शन है वो भी अच्छे से पढ़िएगा। दोस्तों यहाँ एक और ज़रूरी बात बताना चाहेंगे, जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि बर्तन है या ब्लेंडर है, तो यूज़ करने के बाद इनको अच्छे से धो देना है और इनको खुली हवा में रखना। आप इनको बंद करके ना रखें, नहीं तो इनमें स्मेल हो जाएगी और इनमें कीटाणु ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसको यूज़ करने के बाद भी धोना है और फिर इसको खुली जगह में रखना है, और फिर यूज़ करने से पहले इसको दोबारा से धोना है। तो इस तरह से अगर आप धोएंगे तो आपका बेस ज़्यादा चलेगा, उसमें कीटाणु नहीं आएंगे, खट्टापन नहीं आएगा। तो दोस्तों हमारे दोनों बेस रेडी हो गए हैं, अब हम इसको मशीन में पोर करते हैं। तो पोर करने से पहले आपको मशीन को ऑन करना है, लेकिन आपको कूल या फ्रीज वाला फंक्शन नहीं चलाना है, आपको क्या चलाना है, प्री कूल। तो प्री कूल का मतलब होता है इस मशीन में 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, तो जो प्री कूल वाला कंप्रेसर होता है वो इन ऊपर वाले बर्तनों को ठंडा करता है। एक छोटा कंप्रेसर लगा होता है जैसे अपने फ्रिज में लगा होता है, और वो इन बर्तनों को ठंडा करता है। तो आपको प्री कूल को ऑन करना है, और आपको वॉश को ऑन करना है, आपको कूल को ऑन नहीं करना है, मतलब मशीन को ठंडा नहीं करना है, सिलेंडर को ठंडा नहीं करना है, सिर्फ इसको ठंडा करना है और वॉश चलाना है। तो हम वॉश ऑन कर देंगे, कुछ मशीन पे वॉश होगा, कुछ पे क्लीन होगा। इससे क्या होता है, मशीन का बीटर चल जाता है, यानी मशीन घूमने लगती है लेकिन ठंडा होना शुरू नहीं होती है। और इसका करने का कारण भी हम बताएंगे कि क्या कारण है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि बहुत अच्छा होगा कि आप इस अपना बेस रेडी करने के बाद इसको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, या इस मशीन में डाल के छोड़ दें। तो डालने का भी तरीका वो भी आप ध्यान करिएगा कि हमने क्लीन मोड को ऑन करना है और मेरे को पोर करना है। अगर आपके पास छलनी है तो आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर कोई अपने बेस में गांठ रह गई हो तो वो अपने मिक्स में ना जाए। और आपको देखना है कि बॉटम में थोड़ा सा मिक्स रह जाएगा, जिसमें हो सकता है हल्की फुल्की डलियां हो, तो आपको उसको मशीन के अंदर नहीं डालना है, उसको आपको अलग से रखना है, मतलब उसको आपको फेंक देना है। जैसे कि हमारे में 1-2 छोटी छोटी डली आ गई हैं, अगर आप देख सकते हैं।
तो इसको मशीन के अंदर नहीं डालना है आपको, इसीलिए हम सलाह दे रहे थे कि आप छलनी का इस्तेमाल करें या पूरा मिल्क ना पोर करें, थोड़ा सा तलछटी में रहने दें। और दोस्तों अगर आप ये, हमने ये भी बात करी कि कूल नहीं चलाना चाहिए, तो कूल ना चलाने का कारण क्या है, अगर आप कूल वाला चला देंगे यानी सिलेंडर को ठंडा कर देंगे तो सिलेंडर का टेम्परेचर जीरो से कम हो जाएगा, और जैसे ही दूध उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, जैसे ही आइसक्रीम का बेस उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तो सीधे बर्फ़ बन जाएगा। तो इस बर्फ़ बनने से आइसक्रीम का स्वाद खराब हो सकता है या फिर हमारी मशीन का बीटर जल्दी ख़राब हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वॉश मोड में चला के ही अपना बेस पोर करें। तो हमने वनीला वाला पोर कर दिया, अब हम बटर स्कॉच वाला भी पोर करेंगे। इसको भी इसी तरह से पोर करना है, आपको देखना है कि जो तल छटी में जो अपनी डलियां हैं वो अपनी मशीन में नहीं जानी है। तो दोस्तों अब आप प्री कूल को ऑन करके इस मशीन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं आधे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए। प्री कूल से अपना ऊपर का दूध ठंडा रहेगा और नीचे का दूध तो हमने ठंडा डाला ही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप बेस बना रहे हो वो मशीन में डालने से पहले वो ठंडा हो, यानी उसका टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस हो। अगर अपना दूध मशीन में डालने से पहले गर्म होगा, एक तो हमारी मशीन ज़्यादा टाइम लगाएगी आइसक्रीम बनाने में, ज़्यादा बिजली की खपत करेगी, दूसरा क्योंकि मेरा दूध गर्म से ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लेने की वजह से उसमें आइस क्रिस्टल भी फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मशीन में बेस ठंडा ही डालना है और प्री कूल को ऑन ही रखना है हमेशा। अगर आपकी बिना प्री कूल की मशीन है तो आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 घंटे के बाद एक आइसक्रीम निकाल के आप वापस इसमें डाल सकते हैं ताकि आपका मिल्क ठंडा रहे। तो दोस्तों हमने प्री कूल ऑन कर दिया था और अपना बेस इसमें पोर कर दिया था, और हम इसको वॉश मोड में चलता हुआ छोड़ सकते थे या हम इसको बंद करके भी रख सकते थे। अब लगभग आधा घंटा हो गया तो हम अपनी मशीन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको झटपट भी ऑन कर सकते हैं, इतना बड़ा रूल नहीं है। हालांकि अगर आप इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एजिंग। एजिंग की प्रोसेस से जो मेरे स्टेबलाइजर होते हैं, एमल्सीफायर होते हैं, और जो मेरे फ्लेवर होते हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ी सी एजिंग कर लेना सही होता है। हालांकि एजिंग का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी आइसक्रीम के प्रीमिक्स होते हैं वो फास्ट एक्टिंग होते हैं और कोल्ड एक्टिंग होते हैं। हालांकि हम सलाह देते हैं कि आप थोड़ी एजिंग कर लें अगर आपके पास समय है, समय नहीं है तो आप इस मशीन को सीधे फ्रीज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमने इस मशीन को ऑन कर लिया है, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि मशीन ऑन हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि आपको हार्डनेस भी ज़्यादा सेट नहीं करनी है। अगर आप हार्डनेस ज़्यादा सेट करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि एक तो आइसक्रीम डेंस बनेगी, मतलब उसमें ज़्यादा माल जाएगा, उसमें हवा कम जाएगी। दूसरा नुकसान क्या होगा, वो खाने में अपने दांतों पे लगेगी और उसमें आइस क्रिस्टल की मात्रा भी बढ़ सकती है। तो आपको अपनी मशीन की हार्डनेस उतनी ही सेट करनी है कि वो कोन में सर्व करने लायक हो, और बहुत ज़्यादा हार्ड होने से बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको हार्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं सेट करनी है। जितनी कम से कम आप हार्डनेस सेट करके अपने कस्टमर को अच्छी आइसक्रीम खिला सके, उतनी कम हार्डनेस आपको मशीन की रखनी है। तो दोस्तों हार्डनेस को कम से कम रखने का फायदा ये है कि आपके मशीन पे लोड कम पड़ेगा, मशीन बिजली कम खाएगी, बीटर पे लोड कम पड़ेगा, तो वियर एंड टीयर भी कम हो गए, तो मशीन की लाइफ भी बढ़ेगी, साथ में आपकी बचत भी ज़्यादा होगी क्योंकि आइसक्रीम थोड़ी सी ज़्यादा फूलेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑप्टिमल हार्डनेस सेट करनी है। बहुत कम सेट करेंगे तो आपके कस्टमर नाराज़ हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा सेट करेंगे तो आपके कस्टमर को आइसक्रीम खाने में अच्छी नहीं लगेगी और आपके जेब पे भी भारी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इतने अपनी आइसक्रीम बन रही है, इतने हम अपना थोड़ा सा प्रचार भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी मशीन के बारे में भी बता देते हैं। ये जो सॉफ्टी मशीन हम दिखा रहे हैं, जिस पे हम ये डेमो दे रहे हैं, जिस पे हम आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये मेड इन इंडिया है और ये हमारी फैक्ट्री में बनती है, मतलब हिंडशेफ में बनती है। इस मशीन के लगभग 90% पार्ट हम खुद बनाते हैं, जैसे कि मशीन का हैंडल या ये वाला माउथ, मशीन में जो गेयर बॉक्स लगता है वो मशीन की मोटर भी मेड इन इंडिया है, और मशीन का प्री कूल वाला कंप्रेसर भी मेड इन इंडिया है। तो इस मशीन के 90% पार्ट मेड इन इंडिया है और कुछ ही पार्ट बाहर से आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मशीन खुद बनाते हैं, हालांकि वो मशीन पे बस अपना स्टिकर लगा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी मशीन ताइवान से आती है। हम आपको ये बताना चाहेंगे
कि वो 99% झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये लगभग जो सस्ती आइसक्रीम मशीनें होती हैं जो 1 लाख या उससे कम दाम की होती हैं, वो सारी की सारी चाइना से आती है। लेकिन आप हमारी फैक्ट्री में आके देख सकते हैं कि हम इस मशीन के पार्ट्स भी खुद बनाते हैं और पूरी मशीन हमारी फैक्ट्री में ही तैयार होती है। और इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की लागत ज़्यादा आती है और हम इसको खुद बना रहे हैं, तो हमें इसके पार्ट भी स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ते हैं ताकि हम अपने कस्टमर को लंबे समय तक सपोर्ट दे सकें। तो अगर आप मशीन हमसे खरीदेंगे तो हमारे पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, आपको अपनी मशीन कभी फेंकनी नहीं पड़ेगी पार्ट के चक्कर में कि भैया ये मशीन का ये वाला पार्ट तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम सारे पार्ट खुद बनाते हैं तो हमारे पास पार्ट्स इस मशीन के हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और हमारी क्योंकि लागत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हमने इस मशीन की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, तो आपकी जेब पे भी ये मशीन उतनी भारी नहीं पड़ेगी जितनी बाकी मेड इन इंडिया मशीनें होती हैं। तो दोस्तों, जिस मशीन में हम डेमो दे रहे हैं ये 2+1 मशीन है। जैसे हमने 2 फ्लेवर इसमें डाले तो इसमें 2 फ्लेवर एक साथ बनते हैं, और जो बीच वाला जो नोजल है उसमें दोनों फ्लेवर आधे आधे आते हैं। तो जो मेरी बीच वाली नोजल है वो इस तरह के दोनों फ्लेवर आधे आधे देगी, इसीलिए इस मशीन को 2+1 मशीन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 फ्लेवर बनाती है और बीच वाले नोजल से दोनों मिक्स आधे आधे आते हैं। तो अगर आप बीट इस वाले माउथ को अंदर से देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो मेरा बीच वाला है उसमें दोनों तरफ से एक ओपनिंग आके मिली हुई है और दोनों तरफ से आधे आधे फ्लेवर आके इस नोजल से निकलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपना वनीला निकालते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ जो आइसक्रीम के वेंडर हैं वो दिखाते हैं कि हमारी मशीन में चोंच अच्छी बनती है और हमारी सॉफ्टी ऐसे करने से गिरती भी नहीं है। तो ये किसी सॉफ्टी मशीन का कमाल नहीं है, ये अपने प्रीमिक्स का कमाल होता है। कुछ लोग आप गलत दावा करते हैं कि उनकी मशीन बढ़िया है इसलिए ऐसा बन रहा है, ये सारी की सारी खेल, ये जो सारा का सारा खेल है ये प्रीमिक्स का होता है, मशीन का इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब मैं जल्दी से आपको दूसरा फ्लेवर भी निकाल के दिखाता हूँ और मिक्स भी निकाल के दिखाता हूँ कि वो मिक्स कैसा होता है। तो ये मेरा दूसरा फ्लेवर है जो हमने बटर स्कॉच डाला था। ये मेरा बटर स्कॉच फ्लेवर है। अब मैं आपको बीच वाला फ्लेवर भी दिखाता हूँ कि दोनों आधे आधे फ्लेवर किस तरह से आते हैं। एक साइड से आप देख सकते हैं कि बटर स्कॉच का कलर है और दूसरी साइड वनीला का कलर है। तो कुछ लोग इसको नए नए नाम से बेचते हैं, कुछ लोग इस मशीन को बोलते हैं कि 2+1 ट्विस्ट है। तो यही वाली चीज़ ट्विस्ट है कि दोनों मिक्स, अब जो दोनों अपने बेस हैं, जो दोनों फ्लेवर हैं वो आपस में ट्विस्ट होकर बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ लोग ट्विस्ट सुन के सोचते हैं कि मशीन में कुछ खास बात होगी, हालांकि वो इसी चीज़ को ट्विस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप सॉफ्टी का बिजनेस कर रहे हैं तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको काम आएंगी। और अगर आप भविष्य में भी इस तरह की आइसक्रीम मशीन में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हम अलग वीडियो बना के आपको ये भी बताएंगे कि सॉफ्टी बनाने की कॉस्टिंग कितनी आती है, मतलब उसमें लागत कितनी आती है, और ये हमारी सॉफ्टी मशीन चाइनीज मशीन से अच्छी कैसे है। हम इसके पार्ट अंतर से दिखाएंगे कि चाइनीज मशीन के पार्ट कैसे होते हैं और हमने उन पार्ट्स को कैसे इम्प्रूव किया है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी भी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपको ज़रूर काम आएगा। हिंदशेफ में हम अलग अलग तरह की सॉफ्टी मशीन बनाते हैं, अलग अलग तरह की आइसक्रीम मशीन बनाते हैं, वहीं बेकरी की मशीनरी भी बनाते हैं। तो हम समय समय पर इन सारी मशीनरी की भी जानकारी देते रहेंगे और बिजनेस के बारे में भी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज आपको देंगे। तो आशा है आप हमारा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।